अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद खावर। आज एक बार फिर पानी पूरी के नए एपिसोड में मैं आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं, बिल्कुल जकूटा जिन की तरह। आज जिन मेहमानों को मैं बुलाने जा रहा हूं वो अब बताऊं मैं आपको, उनकी तारीफें कर करके ना मैं थकने वाला हूं। वैसे कुछ तारीफें हैं नहीं। वैसे सबसे पहले जाते हैं कि वो मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो मेहमान हैं, कि वो एक दूसरे को हराने में कितने मोटिवेटेड हैं ये जानते हैं और फिर उनके बारे में बात करते हैं। आज मैं शो पे अपने ओपोनेंट जुनैद स्टार जिलानी, जो तुम मुझे देख रहे हो, और मैं आज इस पानीपुरी शो में अपने दोस्त वकास हाशमी को एक्सपोज करने लगा हूँ। आज मैं तुम्हें हरा के जाऊंगा और आज तुम्हारे सारे राज फाश करूंगा और ये ड्रिंक्स सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। और ये कड़वी ड्रिंक्स सारी की सारी मैं उसको पिलाऊंगा एंड आई विल विन दिस गेम। और ये तुम पी कर जाओगे और मैं जीत कर जाऊंगा। आप लोगों ने देख लिया कि हमारे मेहमान कितने मोटिवेटेड थे एक दूसरे को हराने में। भाई उनका तारुफ भी कराता चलूं, भाई हमारे जो मेहमान हैं वो एक हैं सोशल एक्टिविस्ट और दूसरे हैं एंटरप्रेन्योर, अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं। भाई इन दोनों को मैं अपने शो में बुलाना चाहूंगा आपकी भरपूर तालियों में, वकास एंड जुनैद। कैसे हैं वकास? अल्हम्दुलिल्लाह। और जुनैद आप कैसे हैं? भाई दोनों की मैंने मोटिवेशन देख ली, बड़े ही आप लोग जज्बाती हो के आए हैं एक दूसरे को हराने में। वैसे मौका कम कम मिलता है, कम कम आप लोगों ने आज यहाँ पे दिया है और मैं चाहूंगा कि मैं इसे हरा के जाऊँ। हरा के जाए। वैसे कैसी चल रही है जिंदगी? सब सेट चल रहा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, एक मल्टीनेशनल के साथ काम कर रहा हूँ, 2 साल हो गए मुझे। बहुत जबरदस्त। जुनैद आपका? बस बिजनेस कर रहे हैं और वर्किंग फाइन। बस अभी हमारे पास बहुत ही अहम सवाल हैं, आज देखते हैं कि आप लोगों की दोस्ती कितनी गहरी है। तो मैं सबसे पहले सवाल आप लोगों के सामने रखता हूँ। सवाल आपने ऐसे पूछते हैं कि भाई ये ड्रिंक पीने में मजबूर हो जाए। ये ड्रिंक्स इतनी मजबूत है ना कि इनके मैदे पे असर पड़ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल इतने मजबूत होंगे कि ये वो ड्रिंक्स पीने में मजबूर हो जाए और आप ऐसे सवाल पूछेंगे कि ये वो ड्रिंक्स पीने में बस यही करने आए। आज पता चलेगा कि आप लोगों की दोस्ती कितनी मजबूत है। सबसे पहले सवाल कौन पूछेगा? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट, ओ माय गॉड। जुनैद भाई I'll do it. चलें जी। फीमेल्स को देख के कुछ शो मारने की कोशिश, कोई स्टंट, कोई इस तरह का काम कभी जिंदगी में। हाँ ये भी हर बंदे की नेचर होती है। कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट को शेयर करना चाहेंगे? हम लोग बेताब हैं जाने। नेशनल टीवी में से पानी पीऊंगा इस बात पे, क्योंकि वो कोई ऐसी बातें जो कि मैं नहीं बता सकता। ये जरा पी के देखें आप कैसी हरकतें करते हैं। शुरुआत करवा दी, डजंट मीन कि तुम जीत जाओगे। डाला गया बीच में वो आपने जो बनाया ना, एहसास हुआ क्या गया अंदर? ये तो मुझे भी बहुत मजा आया जी, बहुत मजा आया। आप जीत रहे हैं, मुबारक हो आपको। वकास आपने भी बदला निकालना है इंशाल्लाह। मैं अभी मेरे पास बड़ी सवाल आते हैं जो मैं इनसे पूछना चाहूंगा। ओके, मेरा सवाल होना चाहिए वकास, अभी आपने सवाल पूछना है और ऐसा सवाल पूछे कि इनके सर से ना धुआं निकलने लगे। मैं डेफिनेटली पूछूंगा, कभी आपने किसी मेड को प्रपोज किया? यस, मतलब कोई अच्छा लगे आप प्रपोज कर सकते हैं। आई गेस इसमें कोई वो यार नहीं? कब किया जानना चाहूंगा। हां नहीं, ये इस इतनी डिटेल्स के लिए बतानी है। इट्स बेटर टू हैव अ ड्रिंक आई गेस। ओके यस, हम लेवल हो गए अब। आप टीवी में देख लीजिए क्या क्या काम कर रहे हैं। शादी होगी ना आपकी? ओए होए जी। लेकिन ये कॉलेज के जमाने की बात है। ड्रिंक कैसी थी ये बताएं? ओ माय गॉड, वकास इज अ वेरी गुड गाय और हकूक का बड़ा ख्याल रखते हैं ये। मैं भी पूछना चाहूंगा कि पड़ोसियों के हकूक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा मैं ख्याल रखता हूँ पड़ोसियों के हकूक का। डिटेल, थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे पड़ोसियों के। आप मतलब कौन से पड़ोसी? आप ये बताएं ना कौन से पड़ोसी। देखें, कुछ पड़ोसी होते हैं जो आपके घर के साथ होते हैं, कुछ गली वाले पड़ोसी भी होते हैं। सबका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आई गेस जो ये पूछना चाह रहा है वो मैं नेशनल टीवी पे नहीं बोल सकता। उसके लिए मैं ड्रिंक ही पीना पसंद करूंगा, क्योंकि आज लगता है मोहल्ले में नहीं छोड़ेंगे। मोहल्ले नहीं, मुझे नहीं पता मैं घर कैसे जाऊंगा। लेकिन कमेटी वाले सारे आ जाएंगे। इसमें कौन से पड़ोसी के बारे में ये बात कर रहा था? जो इनके पड़ोसी हैं ये इनका ख्याल रखें। देखें घर के बाहर घूमते हैं ना, तो आपने इन पर नज़र जरूर रखनी है। ये दोनों ड्रिंक्स चेंज थे? असर हुआ है फिर? इसमें ज़्यादा हुआ। इसमें ज़्यादा हुआ है। आप जीत रहे हैं, आप जीत रहे हैं। चलें जी वकास, आपकी तरफ से। मैं जीतने नहीं दूंगा, मैं डेफिनेटली इस पर एक और सवाल पूछूंगा। बहुत अहम क्वेश्चन होना चाहिए। डेफिनेटली मैं पूछना चाहूँगा, लास्ट टाइम किसी के पैसों से कब पेट भर के खाना खाया? कल रात को।
बर्थडे पार्टी थी आई गेस, उसमें मैं गया तो वहाँ पे वो खाना किसी के पैसों से था। अच्छा, मुझे लगा था ये लोग बर्थडे पार्टी पे जाके एंजॉय करने जाते हैं, दूसरों की खुशी मनाने जाते हैं, ये तो वहाँ पे खाना खाने जाते हैं। फ्री का है ऑब्वियसली, पहला पेट फिर काम दूसरा। अब पहला पेट, वैसे तो आपका पहले सर आता है फिर पेट आता है। बेस्ट हो गया जी, बेस्ट हो गया, जीत रहे हैं लड़के, जीत रहे हैं। दो मैं पी चुका हूँ, नेक्स्ट योर टर्न भाई, अभी आपकी टर्न है और आपने फिर सवाल पूछना है और आपने जीतते रहना। लास्ट चीज क्या गूगल की थी? अच्छा। रुक जाए जी, ओके, मेरे ख्याल में ना इस बात पे हम एक ब्रेक पे जाते हैं और फिर आप लोगों को वापस आके बताते हैं कि इन्होंने क्या गूगल किया था। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। पानीपुरी शो भाई, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अब जुनैद की तरफ जाते हैं और जानते हैं कि वो सवाल क्या था जिसकी वजह से वकास रुक चुके थे। आपने लास्ट टाइम गूगल पे क्या सर्च किया? क्या सर्च किया था? वैसे हमें अंदाजा है आपने क्या क्या सर्च किया। नहीं, मैं आपको वही बताना चाहूंगा, हमेशा अच्छी चीज भी सर्च करनी चाहिए। मैं भी रिसेंटली कुछ कोर्सेज सर्च कर रहा हूँ अपने दोस्त के लिए, क्योंकि उसकी रिसेंटली शादी होने वाली है। आप फिर गलत लेके मेरी बात को, मैं नेशनल टीवी पे हूँ, आई नो। और जिस तरह तुमने मेरे से सवाल पूछा, मैं बताना चाहूँगा। एक्चुअली उसकी वाइफ फॉरनर है और वो जर्मन लैंग्वेज उनको मतलब आनी चाहिए, जिसके लिए मैं कुछ कोर्सेज उसके लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ कि आप कहाँ से करें और कैसे करें, क्योंकि वो शादी की शॉपिंग में बिजी है। सियाने बन रहे हो, शक्ल से इतने लगते नहीं हो वैसे। थैंक यू, ठीक मान लेते हैं, करके ना कवर कर लिया भाई। बिल्कुल बिल्कुल, चलें जी, अभी आपकी बारी है वकास। मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा जुनैद से, आज भी तुम रात को छुप छुप के फ़ोन पे बात करते हो, कमरे से उठ के दूसरे कमरे में जाते हो? शादीशुदा बंदा होके रातों को कहीं और फोन पे बातें? जी जी बिल्कुल करता हूँ। नहीं, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो बताएं। शक्ल बताए, बिल्कुल मैं कॉल पे बात करता हूँ। घर जाओगे ना, असल में देखें, घर जाओगे ना, मेरी बात सुनो, घर जाओगे ना, बाबी ना फ्राई पैन लेके ना बाहर खड़ी होंगी दरवाजे पे। नहीं, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, लेटरली खड़ी होंगी। कुछ और भी हो सकता है घर में, कुछ असला वसला है। चलें जी, इन्होंने जीत के जाऊंगा चाहे। वैसे आपने रीजन ये नहीं बताया कि आप किससे बात करते हैं, आपको ड्रिंक पीनी पड़ेगी। हाँ नहीं, मैंने आपको बताया, दैट कैन बी अ बिजनेस कॉल, दैट कैन बी अ रिलेशनशिप। ये रातों को कौन सा बिजनेस भाई? ये देखिए, आजकल जमाना इसी तरह का है कि आपको ना 24 आवर चलना पड़ता है। नहीं भाई, हमारी 9 से 10 होती है, उसके बाद तो कोई बिजनेस कॉल नहीं होती। सच सच नाम बताना तो बताओ, वरना ड्रिंक पियो। नहीं, मैं ड्रिंक पी लेता हूं देन। नाम बताओ। देख बाबी, ये कंफर्म हो चुका है कि ये किसी के साथ बात कर रहा था, मुझे यकीन है। आप देखे लगी ना, क्या मिला है इसमें? बाबी की बद्दुआ लगी है तुम्हें? वकास जीते रहो, तुमने एक घर को ना तबाह होने से बचा लिया। आपने पिलवा दिया, वरना बच गया था। चलिए जी, अभी आप पूछ ले सवाल। हाँ नहीं, अब तो बनता है सवाल ऐसा पूछना। पूछे पूछे। फैशन शोज काफी सारे आपने कवर किए हैं, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट से मुराद ये किस तरह के बाहर जाके प्लास्टिक लगाते थे, किस तरह कवर? हाँ, बेसिकली मैं इवेंट मैनेजमेंट में मैं काफी ताल्लुक था, तो वो इस लिहाज से। चलिए चलिए, पूछे पूछे। फैशन शोज में अब जाहिर बात है वहाँ पे मॉडल्स भी होती हैं, वहाँ पे काफी सारा स्टाफ भी होता है। मॉडल्स ही होती हैं। तो कोई ऐसा कोई इंसिडेंट, कोई डेट, कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन कुछ हुआ वहाँ पे, हम जानना चाहते हैं। नहीं, आप लाजमी जानना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल, और मैं बताना नहीं चाहता आपको। नहीं देखें, नहीं बताएंगे तो ऑब्वियसली आपको हुआ क्या होगा, बताएं। यार सिंपल वॉक होती है, टॉक होती है, शॉक होती है, बाद में ड्रिंक होता है, और ये ड्रिंक उठाते हैं और ये ड्रिंक इससे करके बहुत कड़वी। जा रहा था कि तुम ये ड्रिंक ना पियो और मुझे बताओ, बाद में बताऊंगा, बाद में बताओगे। क्या कह सकते हैं, चलिए एक ही ड्रिंक रह गई है। वैसे दोनों इस टाइम बराबर नहीं, आप जीत रहे हैं। मैं जीत रहा हूं, बिल्कुल। गुड हो गया जी, गुड हो गया जुनैद। नेक्स्ट सवाल आपका बहुत अहम होना चाहिए सवाल। ड्रिंक अंदर चले जा रही है इस टाइम, पहुंच चुकी है। चले जी। अच्छा, तुमने यार 3 दफा मुझे पिला दिया, मैं भी पूछ लेता हूँ। मुंह से धुआं निकल रहा है? मुंह से नहीं निकल रहा। निकल जाएगा, बेफिक्र रहे। यार मुझे एक चीज बता दो कि ये तुम सोबर कब से हो? थे नहीं फ्रॉम डे वन आई गेस। आपकी वो नजर नहीं थी जिस पे आपको वो सोबरपन नजर आता नजर आपके असल में आपके माथे पे बहुत शाइनिंग थी ना, तो बेचारे को नजर नहीं आई। अब माशाल्लाह कम हुई है। जी जी जी, देख रहे हो। सोबर नहीं थे पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं थे ये सोबर। इस चेहरे के पीछे एक जेजे है। जेजे? हाँ, सामने जुनैद इसरार जिलानी साहब हैं। हाँ, तो मैं उनको बड़ा पर्सनली, ये कब से ये चेंज आया तुम्हें? शादी के बाद आई गेस।
बाबी ने स्क्रू टाइट किया होगा। यहीं से एक सवाल निकालूं मैं, शादी के बाद ये मजबूरन चेंज आया, ये तुम्हें लाना पड़ा? देखें अब जीतने के लिए सच बोलना पड़ेगा तो मजबूरन ही करना पड़ा। ऐसे बंदा आपको पता है बाबी, आप जीती रहे हैं। आपने एक मुझे बचा लिया ड्रिंक पीने से, एक हैंडसम लोंडा बना दिया। गुड गुड गुड, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल जी आपका, इनकी तरफ। इस शो से पहले तक के जिंदगी के टोटल ब्रेकअप्स, आप अपनी ब्रेकअप्स को यहाँ पे ब्रेक लगाएं और हम भी एक छोटी सी ब्रेक लेके आप लोगों के पास वापस आते हैं और अपनी ड्रिंक्स बिना रिफिल करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। भाई ब्रेक के बाद हम आ गए हैं, आप लोग भी बेताब हैं कि भाई इनके ब्रेकअप्स के बारे में जानना। मैं चाहता हूँ ये सवाल आप दोबारा पूछें और फिर हम इस सवाल के मजे लेते हुए ना इनसे उनका जवाब भी मिले। सोच समझ के पूछना। हाँ हाँ डेफिनेटली, आपने ये बताना है कि आपके इस शो तक जिंदगी में कितने ब्रेकअप्स, कितने ब्रेकअप्स। अगर नहीं बताऊँगा तो फिर भी ना पड़ेगा। हाँ ऑब्वियसली, ऐसे जितना कोई इशू नहीं है। अरगिनाने भी नाम भी गिनाने साथ से। बताने हैं। मैं सिर्फ बताने का कहा है, नाम गिनाने। पहले आप बताएं। हाँ मतलब कितने? 35। अब नाम बताएं। ये मैं बता रहा हूँ फिफ्थ क्लास से। फिफ्थ क्लास से? हाँ। आप पढ़ने जाते थे या ये काम करने जाते थे? हो जाता था ये, अचानक हो जाता था। हो जाता था, पर्सनैलिटी ऐसी है ना। हाँ बस उस टाइम नहीं पता था। बालों के आगे जाला लगा के आप आ गए और 35 चक्कर 35। आप नाम बताएंगे या पियेंगे? नहीं नाम का सवाल नहीं था, इन्होंने ये पूछा था कि ब्रेकअप्स कितने हुए हैं, जो कि मैंने बताया कि इतने हुए। बाबी आप देख रही हैं ना, ये आपको ये इसने ये सारी बातें बताई। मुझे इसने बताया था ये 35 बोलना है, मैंने इसलिए बोला। और तो बस तक रुला, कोई किसी ने कुछ नहीं बताया। हाँ कवर कर लो बेटा, गुड गुड, अच्छा है बच गया मैं। चले आप बच्चे कुछ भी नहीं है, ये बाबी जानती है। ठीक है आप सवाल नहीं, यहाँ पे बच गया मैं। यहाँ पे कोई नहीं बचा, ये तो ड्रिंक सिधरी है, आप पियेंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, डेफिनेटली मैं, मुझे यकीन है तुम ड्रिंक पियोगे। कलर चूज कर लो पहले। रेड। ओहो कॉन्फिडेंट चेक करे बच्चे का। और उतने ही रेड हो जाओगे तुम मेरे सवाल के बाद। पूछे जी पूछे। कभी तुमने खानदान में किसके साथ डेट किया? 3 लोगों के साथ। यार तू बता रहा है? हाँ हाँ ड्रिंक थोड़ी पीनी है, बेटे घर भी जाना है, कोई मसला नहीं। ये कहाँ से आ जाते हैं ये प्रोस्पेक्टेड? ये तो मेरा बाद में मुझे कॉल ना आए ये मैं बता दूँ। एक तो मेरा मेल कजन था, उसके साथ भी डेट पे गया था मैं। नहीं अबे किसी की डेट पे नहीं, किसी की डेट पे नहीं, अपनी जाती डेट। हाँ, पे हाँ, मैं और मेरे कजन हम लोग डेट पे गए, हम पीर सुहावा गए, वहाँ पे हमने चाय चाय पी। शरीफ ना था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम किसी लड़के के साथ रोमांटिक बातें की, कजन के साथ डेट पे गए? मैं कह रहा हूँ अपने कजन को। आप नाजरीन देख रहे हैं हमारे, ये मुझसे बुलवाएगा। आप अपने आप मेरे सवाल को नहीं समझे, ये इनके सवाल को नहीं समझे। मैं समझ गया हूँ बिल्कुल, एग्जैक्टली तो कह रहे हैं। आप किसी कजन के साथ डेट पे गए? जी जी कजन के साथ, वो भी लड़के के साथ। मेल और फीमेल दोनों, मतलब डेट की बात नहीं कर रहा, वो वाले डेट पे। नहीं डेट का पूछा आपने, वो वाली पहले बोलना चाहिए था इनको। नहीं वो वाली का नहीं मेंशन किया, डेट की बात हुई। डेट अच्छा, आप जैसे घूमने की बात कर रहे हैं। हां हां अच्छा नहीं, स्पेसिफिकली रोमांटिक, ये डेट की बात कर रहे हैं, वो रोमांटिक डेट। मैं इसको और मैं इसको खुल के बताता हूं, किसी लड़के के साथ। हां मैं दोस्तों के साथ भी जाता हूं। साहब मुझे सांस नहीं आ रही। मैं कवर एक बात बोलूं, मैं इसको और जरा क्लियर कर दूं। तुम अकेले कजन वन छोड़ दो, मैं भी गया बाहर में भाई, मैं भी सैड पे। ठीक है अब तुम पहुंच रहे हो, सिर्फ तुम्हारा आंसर निकल रहा है मुंह से, या तो तुम ये पियोगे रेड वाला, तुमने कलर चूज किया था। जी जी तुम अकेले अपने खानदान में किसी बंदी के साथ तुम दोनों डेट पे गए थे? क्या तू बता रहा है? हाँ हाँ आई विल चूज टू आंसर दिस क्वेश्चन। बाद में मेरी कितना लगेगा? नहीं नहीं कोई मसला नहीं। ओके जीते रहो, बहुत ऊपर तक जाओगे, सीट के ऊपर पहुंच जाओगे। ओके चले जी माय टर्न, चलते रहे जी। ठीक हो गया जी। अच्छा क्वेश्चन जो है ना वो बहुत सिंपल सा है। ठीक कि कभी अपनी बेगम से झूठ बोला है? इसका आंसर मुझे पता है ऑब्वियस, लेकिन ये कि हम इनसे ये चीज़ बोलना लाजमी होता है। मुझे उसका आंसर पता है ऑब्वियस, ताकि मतलब मैं जवाब कुछ बना भी ना सकूं। झूठ तो हमें शक्ल से यार देखो आपके मुंह से टपक रहा है। हर शरीफ शोहर अपनी बीवी से झूठ बोलता है। हर शरीफ आप इन जो ऑडियंस है हमारी जी, उनको क्या पैगाम देना? ऑडियंस आपको इस पर कमेंट करके बताएगी कि देखो बहुत बहुत शरीफाना आंसर दिया इसने। हर शरीफ शोहर अपनी बीवी के साथ झूठ बोलता है। सिंपल। अगला सवाल जी आपका, फिर आपकी तरफ आ गया।
ओके, मैंने इतना बड़ा एक सवाल पूछा, इसे बताया नहीं, बड़ा ढीठ है यार। चलो अच्छा सवाल। ओके, अभी एट दिस टाइम, तूने मुझे शो से पहले का पूछा था, एट दिस टाइम तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है? तूने मुझे बताया नहीं काफी टाइम से, लेकिन एक ही है, बेगम है वो, और इसके अलावा यार कोई इतना शरीफ कैसे हो सकता है? बस देख लें आप, मतलब ये एक बात करने वाली तो नहीं है, आई गेस। नहीं, एक ही है, बेगम है, कंफर्म। हाँ, जो बेगम है वही मेरी गर्लफ्रेंड है, और और गर्लफ्रेंड ही बीवी है, बीवी गर्लफ्रेंड है। अब ये दोनों को ना कवर कर रहा है, बता नहीं रहा मैं, आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं भी कह रहा हूं यहां पे दो है या एक है यार, या तो मैं तुझे जानता ना यार। ये क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन कर लेंगे हम इसको, ड्रिंक पी लें इतनी डिटेल्स में जाने के लिए। नहीं, ड्रिंक बनती नहीं है ना, ड्रिंक नहीं बनती है, पर बच्चा समझ गया है, समझ गया। चलें जी, आपका सवाल। मेरा सवाल आ गया। अच्छा जी, अपनी ही शादी में इतने अनकंफर्टेबल क्यों बैठे हुए थे? आप क्यों ऐसे थे? मैं वहाँ था ऐसा, आपने विटनेस किया ना इस चीज को? मुझे लग मैं वहाँ पे नाच रहा था, ये कैसे हो सकता है अनकंफर्टेबल? आप नाच रहे थे अपनी ही शादी पे? हाँ, नाच रहे थे, नाच रहे थे, बिल्कुल अनकंफर्टेबल। नहीं, वो उस नाच ही अनकंफर्टेबल मोमेंट था। कोई राज की बात? हाँ, कोई, I guess। अच्छा, कोई बात थी? नहीं, प्यास लगी थी, मैं इसलिए पी। प्यास आपकी बुझ गई? चल रहा है अंदर, चल रहा है। असल में हमने इसको स्लो रखा हुआ, वो स्लो स्लो डैमेज करता हुआ, देखिए आहिस्ता आहिस्ता आता है और पता चलता है। बेफिक्र रहे, अंदर की सफाई हो जाएगी आपकी, वही हो रही है, ऐसे नहीं हुई होगी, शो के बीच में ना जाना बहुत जबरदस्त। अगला सवाल आपका। अच्छा यार जिलानी, तुम्हें अच्छा नहीं किया। हाँ, कभी कभी, आज तुम्हें बता रहा हूँ, कभी कभी, देखो जब भी आप किसी होटल में चेक इन करते हैं आपको आईडी कार्ड देने पड़ते हैं, ठीक है, सही है ना? अब शरीफ ना बनना, मतलब देर है तो बात करें खुल के, पानी ना पी। तो कभी अपने आईडी कार्ड के साथ किसी और के आईडी कार्ड को उसके नाम से तो आया है, अगर तुमने चेक इन किया है, लेकिन वो घर का भी फर्क ना हो। मुझे भी प्यास लगी। ओके, दोनों प्यास बुझा रहे, एक ही ड्रिंक है मेरे ख्याल में, और ये आखिरी सवाल होगा। जो ड्रिंक पी लेगा ना, मेरे ख्याल में इस टाइम चार आपके हैं और तीन आपके हैं, चार इनके हैं और तीन आपके हैं, इस टाइम ये जीत रहे हैं। नहीं, बराबर हैं, चार चार हो गया ना? नहीं नहीं, चार आपके पहले हुए, मेरे बाद में। ओके, अच्छा तेरे बाद। अब ये जीत रहे हैं भाई। सवाल सवाल जल्दी से जल्दी से। अब उन्होंने पूछना है, मैंने तो पूछ लिया। हां, मेरी बारी है, राइट। अच्छा जी, कोई ऐसी सिनफुल चीज जो आपने जिंदगी में की है? क्या सिनफुल? फुल ऑफ सिंस। फुल ऑफ सिंस, लाजमी तुम्हें मैंने बोल दिया। बेचारे के पांव के नीचे कॉकरोच आ रहा है, उसकी बड़ा है, महिला में से बड़ी है यार। मैं यहाँ बता सकता हूँ, नेशनल टीवी नेशनल टीवी बता सकता हूँ, बताने वाली फनी चीज़ है वो। मुझे अब फील होता है कि यार वो सिनफुल थी, जब आप लोग पता है जब सब नमाज, बच्चे थे हम भी उस टाइम, नमाज पढ़ रहे होते हैं, सब सजदों में चले जाते हैं, ठीक है, अब पहले हंस रहे हो, पहले पूरी बात तो अब जब सब सजदे में गए, आप जब उठ के देखे ना तो एक अजीब मंजर होता है, ठीक है ना? ठीक है, उस टाइम मैं बच्चा था भाई, मैं बता रहा हूँ, उस टाइम मैं बच्चा था, तो हम लोग टोपियाँ सर पे पहनते थे, कोई चार चार पाँच पाँच लेके ना, हमने क्या करना है, जब सब सजदे में चले जाना, हम टोपियाँ उछाल उछाल के ना निशाने मारते थे इस तरह। तो वो मुझे आज फील होता है कि यार मेरे नज़दीक वो सबसे बड़ा गुनाह था, कि यार मैं शायद बच्चा था, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन मैं वो बड़ा मज़ा भी आता था, सबसे सजदे में गए, हम सजदे का वेट करते थे, सजदे में गए टोपियाँ उठा के ठस ठस ठस, तो फिर खुद भी नीचे हो गए। अच्छा, ये मेरे नज़दीक वो अंकल भी आपको ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कौन है जो टोपियाँ फेंक रहे हैं, आज तक टोपियाँ गिरा रहे हैं, आज तक टोपियाँ गिरा रहे हैं। लास्ट सवाल जी आपका, मेरा सवाल लास्ट जी मेरा, एंड आई गेस मेरा सवाल है। घर में इसका जवाब ना नहीं हो सकता, ठीक है, घर में कौन सा ऐसा फर्द है जो बहुत अनोइंग है और तुम उसका नाम यहाँ पे
या तो लेना चाहते हो या फिर छुपाना चाहते हो। तो मैं यार कहता यार ये क्या बन रहा है यार, कैन बी इंक्लूड आवरसेल्व्स, मैं अपने से बहुत कम, अपने से नहीं करना, अपने अलावा इतना शरीफ ना बन। वैसे तो सारे घर वाले आपसे होंगे हमें पता है, मगर आपने दूसरों को बताना। कोई घर में कोई ऐसा हो कि यार तुमको यार ये बंदा जो है यार बहुत अनोइंग, मेरा छोटा भाई है वो बहुत ज्यादा अनोइंग है, ठीक है, और मतलब उससे जो भी चीज करें कहें वो अपोजिट होनी है। तो या तो आंसर करना है या ड्रिंक पीना है, ठीक है, आई एम आंसरिंग द क्वेश्चन। बहुत मुश्किल लग रहा है कसम से। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, दिल तो कर रहा है आपके माथे पे ना पप्पी कर लू, मगर अच्छा फिर डरता हूँ कहीं जल ना जाओ। बहुत बहुत मुबारक हो, आप जीत चुके हैं। और एक 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 सवाल और होना चाहिए, एक सवाल, एक ड्रिंक का सवाल होना चाहिए, एक ड्रिंक का सवाल होना चाहिए। बारी मेरी है, लड़ाई मुझे लगता है बाहर जाके जंग होने वाली, ये तीन चार इकट्ठी होगी। मैं एम्बुलेंस बुला लूं बाहर से, पुलिस रहने दे, वो जरूरत नहीं पड़ेगी। एम्बुलेंस की बात कर रहा हूँ, उसको ड्रॉप मैंने ही करना है यार। इसको ड्रिंक में क्या पिला दिया था मैदे के साथ साथ ना कान भी खराब हो गए। अभी देखो सही, लास्ट सवाल, चलो हमने आपको दे दिया। अच्छा लास्ट वाला मेरा बनता करना आई गेस। नहीं एक वो करेगा एक मैं करूंगा, प्लीज जी, उसमें फिर फाइनल होगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। Yes. अच्छा आपने ना यहाँ पे या तो ड्रिंक पीनी है या फिर अपना मोस्ट एम्बैरेसिंग टेक्स्ट जो आपने किसी को भेजा हो वो दिखाना। करो जी। नहीं एम्बैरेसिंग टेक्स्ट से क्या, रिटर्न टेक्स्ट ना। हाँ वो हम दिखाएंगे कैमरा पे, दिखाएंगे, दिखाएंगे। नहीं तो कैमरे में दिखाओगे। हाँ दिखाएंगे। ये लिखा है शो द मोस्ट। हाँ ये ऑरेंज वाली जो है ना मेरे ख्याल में कम डाइल्यूटेड है। वैसे अगला सवाल नहीं बनता है, आप पिला दो मुझे। मैं पिला दूं। हाँ मैं पिला दूं। हाँ ये जी आपको ये गया इसमें कुछ है विक्ट्री। ये तूने अच्छा नहीं किया, आपको सवाल पूछ के ये मेरे में लिखा होना चाहिए था। अब ड्रिंक खत्म हो चुकी है। अच्छा नहीं एक क्वेश्चन उसका रहता है ना अभी आई गेस। फायदा क्या ड्रिंक, लेकिन ड्रिंक खत्म हो गई है और आप जीत चुके हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत खबर भाई। मैं फिर चाहूंगा कि आपके सर पे चुम्मी कर लूं, मगर जल जाऊंगा। आप टोपी उतारेंगे फिर? नहीं तो टोपी लगेगी सर पे। टोपी मैं नहीं उतारना सकता क्योंकि मुझे भी जाने से पहले, सॉरी तुझसे जाने से पहले मुझे भी याद आया, आप हमारे बालों के बारे में बड़ी बातें की है। मुझे बोला जंगला लगा के आ गए, उन्हें बोला ट्रेन नजर आ रहे हैं, आपके बाल क्या बहुत अच्छे हैं। असल में मेरे बाल सो रहे हैं ना, तो दिखाएं ना, मैं आपको दिखा दूंगा। तो भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए। आप हारे वकास, बहुत दुख हुआ। मैं हार के भी जीता हूँ। आप हार के भी जीते हैं, वो तो बाद में पता चलेगा दोनों बाहर जाके क्या दोस्ती रहती है या नहीं रहती। जुनैद आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप जीत चुके हैं। भाई नाजरीन एंड सामईन, आप लोगों ने देख लिया कि दो दोस्त किस तरह आपस में लड़ रहे थे और किस तरह आपस में खेल कूद ही रहे थे। तो इंशाल्लाह आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों के साथ मिलेंगे, नए दोस्तों के साथ, नए कपल के साथ, नए भाई बहनों के साथ। तो हमारा प्रोग्राम देखते रहिए पानीपुरी शो।